शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी, सहायक आचार्य गलगोटियाज विश्वविद्यालय NIOS के स्टूडियो से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है स्थानीय संसाधनों की पहचान और प्रचालन में समुदाय की भूमिका। समुदाय का अर्थ, समुदाय किसे कहते हैं, हम किसे समुदाय कह सकते हैं? समुदाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एकता अथवा सामुदायिक भावना के जागृत हो जाने से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन की सामान्य नियमों द्वारा व्यतीत करने के लिए स्वतः ही विकसित हो जाती है। सामान्यतः समुदाय का क्षेत्र उसके समुदाय की आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक समानताओं पर निर्भर करता है। कुछ समानताओं की वजह से हम समुदाय के रूप में रहते हैं, जैसे भाषा, क्षेत्र, प्रथाएँ, संस्कृति, परम्पराएँ, व्यवसाय तथा एक उद्देश्य। कुछ ना कुछ समानता होना चाहिए, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से हम एक साथ रहते हैं। हो सकता है हमारी भाषा एक हो, हमारी भाषा एक है तो हमारा एक समुदाय बन गया। हो सकता है हम एक क्षेत्र के निवासी हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, उससे हमारा एक समुदाय निर्माण हो गया। या हमारी प्रथाएं मेल खाती हों, एक सी प्रथाएं हों जिसके कारण एक समुदाय बन गया। या सांस्कृतिक या संस्कृति एवं परंपराएं हमारी मिलें, यह हमारा एक व्यवसाय हमारा एक हो जिसके कारण हम इस समुदाय में रहें, या किसी एक उद्देश्य के लिए हम कार्य करें। कुछ ना कुछ समानता हमारी जरूर होना चाहिए जिसके कारण हम समुदाय के रूप में रहते हैं। किसी न किसी कारण से हम एक साथ रहते हैं जिसके कारण हमारा एक समुदाय बनता है। समुदाय प्रचालन का अर्थ क्या होता है? सामुदायिक प्रचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जो समुदाय में लोगों को उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान करने तथा समुदाय के विकास के लिए सामाजिक क्रियाकलाप हित एक साथ लाती है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो समुदाय में लोगों को उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान करने के लिए, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, समस्या की पहचान क्या है, उसके लिए तथा समुदाय के विकास के लिए सामाजिक क्रियाकलाप करने हित एक साथ बुलाती हैं, एक साथ वो मिलकर काम करते हैं, उसको हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कहते हैं। इसमें संसाधनों का उपयोग और उचित प्रबंधन के विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन संसाधनों का उपयोग, जो रिसोर्सेज हैं हमारे सराउंडिंग में उनका उपयोग, उचित प्रबंधन समुदाय के विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका है। सब समुदाय के लोग एक साथ मिलेंगे, मोबिलाइज होंगे, एक साथ आएंगे, सहभागिता करेंगे, जो रिसोर्सेज हैं उसे पहचानेंगे और उसका अच्छे से उसका प्रबंध करेंगे, अपना विकास कर सकते हैं, समुदाय का विकास हो सकता है और बहुत आवश्यक है उसके लिए। वो किसी भी समुदाय के विकास और उत्थान के लिए सामुदायिक मोबिलाइजेशन हमेशा प्रमुख रहता है। समुदाय का विकास करना है, समुदाय का उत्थान करना है, तो लोगों को आपस में आना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, एक कॉमन गोल के लिए आगे बढ़ना होगा। समुदाय मोबिलाइज होगा तभी उनका उत्थान और विकास संभव है, अदरवाइज वो पिछड़े रह जाएंगे। तो समुदाय मोबिलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। समुदाय का मोबिलाइज करने के लिए लोग अपनी योजना बनाते हैं, उनके अनुसार कार्य करते हैं। अपनी लोग मिले आपस में, समुदाय के कुछ लोग मिले तो उनको एक प्लानिंग किया, एक योजना बनाया और उसके लिए वो कार्य करते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। उस समुदाय जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। लोग अपने जीवन व समुदाय के विकास और परिवर्तन के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। अब जो समुदाय जो कार्य कर रहे हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं की है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं। प्लानिंग किया और उसके लिए काम किया, उस गोल को अचीव करने के लिए कार्य किया और उसकी फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। सामुदायिक मोबिलाइजेशन का महत्व क्या है? समुदाय मोबिलाइजेशन समुदाय के अधिकतम विकास की विधि है, इसलिए समुदाय मोबिलाइज होता है। लोगों की सामाजिक, भावनात्मक, वित्तीय और शारीरिक आवश्यकताओं को समझने और उनके लिए काम करने हित समुदाय मोबिलाइज होता है। वर्तमान स्थिति में जागरूकता हित, सोसाइटी की वर्तमान स्थिति क्या है, समुदाय की वर्तमान स्थिति क्या है, उसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए कम्युनिटी मोबिलाइज होता है। जागरूकता आएगी तो हम एक साथ आएंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, उसके लिए मोबिलाइज होगा। सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु, हमें समाज में परिवर्तन लाना है,
समाज में कोई चेंज लाना है, सकारात्मक चेंज लाने हैं, तो उसके लिए समुदाय के लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और सहभाग करना होगा। और संप्रेषण एक मुख्य साधन के रूप में है इसमें कि हम आपस में लोग जितना बात करेंगे, जितना हम कम्युनिकेट करेंगे, एक साथ आएंगे तभी हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। समुदाय मोबिलाइजेशन में संप्रेषण एक इम्पॉर्टेंट मीन है, उसी की सहायता से ही समुदाय मोबिलाइज होता है। संविधान में जो परिवर्तन आया, जो एक चेंज अमेंडमेंट आया 72वां 73वां, तो पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई, तो उसी में अनुच्छेद 243 जी के 11वीं अनुसूची में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सहित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाओं की योजना बनाने और क्रियान्वयन करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसमें पंचायती राज संस्थानों को इन्वॉल्व किया गया है। इसमें टॉप टू बॉटम ग्रासरूट लेवल पे भी उनको शक्तियाँ दी गई हैं कि वो उसमें शामिल हो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया है कि सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हों, सब लोग इन्वॉल्व हों और उसमें पंचायती राज संस्थान मिलकर वो उसकी जो योजनाएँ हैं उनका क्रियान्वयन करें, प्लानिंग करें और उनको एग्जीक्यूट करें। कैब CABE केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन 2005 ने शिक्षा के प्रबंधन के लिए एक ढांचा दिया, स्ट्रक्चर दिया, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति का महत्वपूर्ण प्रावधान किया। BEC विलेज एजुकेशन कमेटी रिकमेंड किया कि उसका इम्पॉर्टेंट रोल और प्लेस उन्होंने दिया, उस महत्वपूर्ण भूमिका दी कि जो विद्यालय व शिक्षा में विभिन्न रूप से प्रतिभाग करेगी उसका गठन होगा। उसके विलेज एजुकेशन कमेटी का जो ग्राम प्रधान होगा वो मुख्य होगा, चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, तथा जो हेड मास्टर है स्कूल का या सीनियर टीचर है उसका सचिव होगा, तथा अदर कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनमें से उसके प्रतिनिधि चुने जाएंगे। उसको राइट दिए कैब ने कि उसको हम इन्वॉल्व करें, उसको इन्वॉल्व करेंगे तो ग्रासरूट लेवल पे हमारी सहायता होगी शिक्षा के बढ़ाने में, शिक्षा को नीचे तक पहुंचाने में, जमीनी लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने में समुदाय का बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए उसको इन्वॉल्व किया, कैसी उसको हम शामिल करें और वो आइडेंटिफाई करें रिसोर्सेज को, आगे बढ़ाएं। शिक्षा में समुदाय की सहभागिता के रूप कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे हम उसको शामिल कर सकते हैं, हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, जैसे समुदाय के लोग शिक्षा के महत्व का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं कि वो अपने कम्युनिटी के लोगों में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दें, शिक्षा के महत्व का प्रचार प्रसार करें, उनकी जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की वो समुदाय के लोग आपस में जागरूक करें, लोगों को मोबिलाइज हो सकते हैं उसके लिए। बच्चों के नामांकन में सहायता करें कि बच्चों को कैसे उसको नामांकन बढ़ाना है, नामांकित करना है, बच्चों की संख्या बढ़ाना है, बच्चों को स्कूल में लाना है, तो उसके लिए मोबिलाइज हो सकता है सोसाइटी, या सोसाइटी के लोग उसमें सहभागिता कर सकते हैं, नामांकन से विहीन बच्चों के सर्वे में सहयोग कर सकते हैं। जो हाउस होल्ड सर्वे होते हैं स्कूलों में देखा होगा आपने, तो उसमें समाज के लोग, समुदाय के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए समुदाय के लोग मोबिलाइज हो सकते हैं, सहभागिता कर सकते हैं कि कितने बच्चे हैं जो नामांकन नहीं हुआ है, या नामांकन हुआ है, या 0 से 6 वर्ष के कितने आयु के कितने बच्चे हैं जो उस गांव में हैं, उस क्षेत्र में हैं, तो समुदाय के लोग सहायता कर सकते हैं उसमें। बाल श्रम को हतोत्साहित करना, जनरली देखा है कि गांव के बच्चे हैं या दूर के जो ग्रामीण अंचल के आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको कभी कहीं ना कहीं श्रम में इन्वॉल्व कर दिया, श्रम में लगा दिया, उसमें शामिल कर दिया, उनसे काम करा रहे हैं, तो गाँव के लोग, कम्युनिटी के लोग मोबिलाइज होंगे, जागरूक होंगे, तभी उसको हतोत्साहित करेंगे ताकि उनको बाल श्रम में उनको बच्चों को ना लगाया जाए। शिक्षकों का सहयोग है मनोबल बढ़ाने में भी समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षकों को सहयोग करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, मोटिवेट करें ताकि वो अपना अच्छे से काम कर सकें और आउटपुट मैक्सिमम आए। छात्रों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करना कि बच्चे डेली स्कूल आएँ, तो ये भी समुदाय की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। समुदाय सहभागी कर सकता है, शामिल हो सकता है, उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है कि कैसे बच्चे डेली स्कूल आए। अब टीचर कितना, अध्यापक कितना बच्चों को समझाएगा, कितना लाएगा, ठीक है एक सीमा ला सकता है, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य की प्राप्ति पॉसिबल नहीं है। जब तक समुदाय के लोग नहीं आएंगे तब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो समुदाय उसमें सहभागिता कर सकता है ताकि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में आएँ और नियमित आएँ, डेली आएँ।
स्कूल की सुविधाओं का निर्माण, मरम्मत तथा सुधार करना, इसमें भी समुदाय का इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे जो भी स्कूल में सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और रिपेयरिंग करना है, सुधार करना है, या कुछ लाना है, बढ़ाना है, आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, तो समुदाय के लोग उसमें सहभाग कर सकते हैं। शिक्षकों की उपस्थिति व प्रदर्शन की निगरानी, टीचर्स डेली स्कूल आएँ और उनको वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी समुदाय के लोग मिलकर ऐसा करते हैं, उसके लिए मोबिलाइज होते हैं। उसके लिए व्यवस्था की गई है कि विलेज एजुकेशन कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, MTA मदर टीचर एसोसिएशन की गई है, वो डेली स्कूल आएँ, देखें कि शिक्षक विद्यालय आ रहा नहीं आ रहा है, या उसके परफॉर्मेंस क्या है, उसकी निगरानी करें। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मिड डे मील में जो भोजन मिल रहा है वो उसकी क्वालिटी क्या है, या रेगुलरिटी है, रेगुलर बन रहा है नहीं बन रहा है, तो वो भी समुदाय के लोग मोलाई हो सकते हैं, सहभाग कर सकते हैं, कि ताकि वो डेली मिड डे मील उसकी गुणवत्ता बनी रहे और दिन प्रतिदिन बच्चों को मिले। और स्कूल में जो बच्चों को सामग्री मिलता है, पुस्तक है, ड्रेस वितरण है, उसकी भी निगरानी समुदाय के लोगों के द्वारा की जाती है, उसके लिए वो मोबिलाइज हो सकते हैं और होते हैं, सहभागिता कर सकते हैं। श्रम सामग्री जमीन तथा फंड में योगदान, शारीरिक श्रम देना है, स्कूल में कोई एक्टिविटी है जिसे शारीरिक श्रम के द्वारा वो परिपूर्ण कर सकते हैं, तो वहाँ सहयोग कर सकते हैं, कोई सामग्री जमीन फंड उसमें भी समाज के लोग योगदान कर सकते हैं, उसके लिए मोबिलाइज हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं उसके लिए, ताकि वो सहभागिता कर सकें। स्कूल बैठकों में हिस्सा लेना, स्कूल की जो बैठक हो रही है, स्कूल की बेहतरी के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, तो उसमें समुदाय के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, सहभाग कर सकते हैं। स्कूल मैपिंग में भाग लेकर, माइक्रो प्लानिंग में भाग लिया, स्कूल मैपिंग में भाग लेकर एंड कम्युनिटी मैपिंग में भाग लेकर समुदाय अपनी सहभागिता शो कर सकता है, उसके लिए मोबिलाइज हो सकते हैं और होते भी हैं। स्कूल के वित्तीय संसाधनों की निगरानी, अब देखा होगा आपने जो SMC का अकाउंट है, विलेज एजुकेशन कमेटी उसका अकाउंट है, वो स्कूल का हेड टीचर है उसके साथ ज्वाइंट अकाउंट होता है, ताकि समुदाय के लोग भी उसको देखें कि जो फंड आ रहा है वो कहाँ कहाँ और कैसे खर्च किया जा रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बना रहे, तो उसके लिए भी समुदाय के लोग सहभागिता कर सकते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का गठन, समुदाय के लोग शामिल हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी मेंबर्स उसमें शामिल हो सकते हैं, उसके लिए मोबिलाइज हो सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा इसके मेंबर्स रहेंगे। स्थानीय संस्कृति की जानकारी प्रदान करना, कि स्थानीय लोकल कल्चर क्या है, लोकल आवश्यकताएं क्या है, लोकल संस्कृति क्या है, उसकी जानकारी समुदाय के लोग दे सकते हैं, उसके लिए मोबिलाइज हो सकते हैं कि हमारी ये संस्कृति है, हमारी कल्चर है, उसको प्रिजर्व रखा जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, तो उसके लिए मोबिलाइज हो सकते हैं। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, स्त्री शिक्षा कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, तो उस समुदाय के लोग उसमें बेहतर अच्छी तरीके से सहभाग कर सकता है। बच्चों को कुपोषण से मुक्ति में सहयोग करना, कि बच्चे जो कुपोषित बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो उसमें भी सहभाग कर सकता है समुदाय, उसके लिए मोबिलाइज हो सकता है। शैक्षिक कैलेंडर के निर्माण में सहयोग, जिस स्कूल का कैलेंडर बनाया जाता है तो उसमें शामिल होना, सहभागिता शो करना, उसके लिए मोबिलाइज होना, समुदाय के लोग अच्छे से उसमें सहयोग कर सकते हैं। स्कूल बजट के संचालन में सहयोग, शैक्षिक समस्याओं के योगदान कारकों की पहचान करना, कि शैक्षिक समस्याएं हैं उसमें कौन कौन से कारक हैं जो उसमें व्यवधान पैदा करते हैं, या जो हर्डल्स हैं, समस्याएं हैं, व्यवधान पैदा कर रहे हैं, कौन कौन से कारक हैं, तो वो समुदाय के लोग अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें विद्यालय के स्थान और कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेना, समुदाय के लोग ही निर्णय कर सकते हैं, कि बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि विद्यालय की कहाँ आवश्यकता है, कहाँ स्थान है। स्थान तो विद्यालय को कम्युनिटी के लोग ही प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके लिए मोबिलाइज हो सकते हैं, उसमें सहभागिता कर सकते हैं। और जो भी स्कूल के कार्यक्रम है उसके बारे में निर्णय लेना, कौन कौन से कार्यक्रम होना चाहिए, कब होना चाहिए, और कैसे कैसे हम स्कूल की बेहतरी को योगदान करें, तो समुदाय के लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। जानकारी एकत्रित करना और विश्लेषण करना, माइक्रो प्लानिंग है, स्कूल प्लानिंग है, कम्युनिटी प्लानिंग है, उसके लिए जो जानकारी चाहिए आपको कम्युनिटी से जानकारी मिलेगी आपको, उसका विश्लेषण करना वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। प्राथमिकताओं को परिभाषित करना
और लक्ष्य निर्धारित करना कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, परिभाषित करना और उसके लिए गोल डिसाइड करना, उपलब्ध संसाधनों का आकलन। अब हमारे सराउंडिंग्स में रिसोर्सेज क्या क्या हैं वो कम्युनिटी के लोग ही अच्छे से बता सकते हैं कि हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल हैं जो हम शिक्षा में योगदान कर सकते हैं। तो उसके आकलन में, उसके आइडेंटिफिकेशन में कम्युनिटी शामिल हो सकती है, उसमें योगदान करती है। नीति निर्माताओं के साथ संवाद करने में, जो पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहा है, बना रहा है, उसके साथ कन्वर्सेशन में उसको आइडियाज दे सकते हैं कि हमारी आवश्यकताएं ये हैं, सोसाइटी की आवश्यकताएं ये हैं, ग्रास रूट लेवल पे ये समस्याएं हैं, तो उनके साथ संवाद करेगा तो हमारी पॉलिसी अच्छे से फ्रेम होगा। स्कूल प्रबंधन में योगदान कर सकता है, पाठ्यचर्या के निर्माण में कम्युनिटी के लोग योगदान कर सकते हैं कि पाठ्यचर्या, सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या क्या आवश्यकताएं हैं लोकल लेवल पे, उसके अनुसार पाठ्यचर्या का डिजाइन हम कर सकते हैं। कार्यक्रमों को लागू करने और प्रतिभागियों के बीच जिम्मेदारियों को विभाजित करने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा प्रदान करना, कार्य के प्रगति की निगरानी करना, समुदाय के लिए अच्छे से निगरानी कर सकता है, लोकल हैं, ऑफिसर्स ऑफिस में हैं वो कितना मॉनिटरिंग करेगा, तो उसके लिए समुदाय के लोग उसमें इंक्लूड करें, वो मॉनिटर करें, वो उसको अपना कार्य समझें, अब घर का काम समझें, तो उसकी प्रगति की निगरानी कर सकते हैं। परिणाम उसके क्या आए, प्रभाव क्या पड़ा, तो उसका भी मूल्यांकन समुदाय के लोग आसानी से कर सकते हैं। अनुसंधान के लिए आंकड़ों का संग्रह करना, रिसर्च के लिए, तो वो समुदाय के लोग अच्छे से सहायता कर सकता है। सीखने की सामग्री का विकास, लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या होना चाहिए, उसको कैसे डेवलप करें, क्या क्या हो सकते हैं हमारी कम्युनिटी में आसपास, वहाँ समुदाय के लोग उसमें बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं, उसके लिए समुदाय के लोग मोबिलाइज हो सकते हैं। समुदाय की सहायता से ही हम शिक्षा प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकते हैं, उसके रिजल्ट्स आउटकम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम समुदाय के लोग लोकल रिसोर्सेज हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए मोबिलाइज होते हैं। धन्यवाद।